लग गया। छोड़ो मैम, छोड़ो क्लच 40। अब आपको 40 से थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेना, क्योंकि आपने 40 लगा लिया, अब आप 50 के आसपास आप चल सकते हो। ठीक है, 50 तक आप स्पीड ले जा सकते हो, अगर आपको ले जाना सही लगे तो आप ले जा सकते हो। जैसे कि आप फोर्थ गियर पे स्पीड को चला रहे हो, अगर आपको स्पीड कम करनी पड़ जाए तो आप वहाँ पे ये देखना होता कि आपको आगे चल के कितनी स्पीड कम करनी पड़ती है। जैसे कि आप फोर्थ गियर पे चला रहे हो, अगर आपको स्पीड कम करनी पड़ जाए 20 के आसपास, तो फिर आपको डायरेक्ट सेकंड गियर लगा लेना होगा। अगर आप फोर्थ गियर पे चला रहे हो और आपकी स्पीड है 40, 45 या 50 के आसपास आपकी स्पीड है, और 30 के अगर आपके पास आसपास है आपकी स्पीड, तो आप थर्ड गियर भी लगा सकते हो। तो वहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी स्पीड कम किया है, उसी तरीके से आपको गियर भी अपना चेंज करना है। सीधे जाना स्ट्रीट, नजर डाल के रखते हैं कि कोई आए उधर तो नहीं वहां से, क्योंकि जब ज्यादा आपकी स्पीड होती है तो उसको पहले से हमें थोड़ा सा स्लो करना पड़ता है। अगर एकदम से करोगे तो पीछे वाले भी स्पीड में होगा, तो उसको नहीं पता ना कि आपके आगे क्या होने वाला है। आपने एकदम से लगाया ब्रेक और पीछे लाना, पीछे से जो भी है ना, चलो सीधे जाना स्ट्रेट। अब आपको क्या करना है, ब्रेक पे पैर रखना है और हल्का हल्का आपको स्पीड कम करना है, 20 के आसपास आपको स्पीड ले जाना है। ठीक है, हल्का कम कर देना, हाँ, और लाइन कभी मत चेंज करना, गट और कम करो। अब क्लच दबा के मैम और सेकंड गियर लगा लो, क्लच दबाओ, गियर लीवर को हल्का सा आगे करो, फिर लेफ्ट, फिर पीछे पीछे, गट, ये सेकंड गियर आपका लग गया, छोड़ो मैम क्लच, गट। ऐसे कोई भी चीज़ यूज करने से पहले पहले तो मैम लेफ्ट का सिग्नल दे दिए, आगे से आपको लेफ्ट लाइन चेंज करना। कोई भी चीज़ यूज करने से पहले एक बार माइंड में रिपीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो चीज़ करते हैं, तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। अब यहाँ से आपको लाइन चेंज कर लेना, बड़े रास्ते से आपको सर्विस लाइन पर आ जाना है, देख करके अपने तरीके से। अगर स्पीड कम करने की जरूरत पड़े तो हल्का का और ब्रेक लेना होगा आपको, आइए लेफ्ट हल्का सा, गुड, पीछे देख लेना, ये सर्विस लाइन है, यहाँ पे सामने भी देखना होगा क्योंकि सामने से लोग रॉन्ग साइड आएंगे, आपको लेफ्ट साइड में चलना होगा। यहाँ पे सिग्नल बंद कर देना, पीछे कोई वाहन है देख कर रखना, गुड, धीरे से लेफ्ट आ जाइए, चलो बढ़िया हल्का हल्का स्पीड, सिग्नल बंद कर देना, गुड, साइकिल वाले भैया को देख करके लेफ्ट साइड में बाइक, गुड। और जब भी अगर कुछ चीज़ ना समझ में आपको आए, राइट लेफ्ट करने के लिए आप बीच में फंस गए हो, जब कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप वहीं के वहीं स्लो कर लो, खड़ी कर लो, स्पीड कम कर लो। ये नहीं कि आपने राइट से लेफ्ट टर्न कर दिया, लेफ्ट से राइट टर्न कर दिया, आप एक दूसरी साइड स्ट्रिंग टर्न कर दे तो हो सकता है उस साइड में भी पीछे से कोई आ रहा होगा। जहाँ पे आपको अभी लेफ्ट साइड चलाना है, इसलिए क्योंकि ये सर्विस लाइन है, सामने से लोग रॉन्ग साइड भी आ सकते हैं, छोटे वाहन भी आएंगे, बड़े वाहन भी आएंगे। आगे आपका स्पीड ब्रेकर है, वहाँ पे आपको ब्रेक पे पैर रखना है, स्लो करने के लिए आपको सिर्फ हल्का हल्का ब्रेक लगाना होता है। हाँ, ब्रेक पे पैर रखें, अब जितना आपको जरूरत है उतना ब्रेक आप लगा सकते हो। अगर पूरा खड़े करना होगा कार को तो फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा क्लच दबा करके, नहीं भी आप मत लगाना ब्रेक, बस अब मत लगाइए ब्रेक। यहाँ से आपको लेफ्ट यू टर्न करना है, लेफ्ट यू टर्न वापस टर्न करो, ज़्यादा टर्न करो, आप पूरा घुमाओ, ज़्यादा ब्रेक मत लगाना मैम, ज़्यादा ब्रेक लगाओगे फिर आपको फर्स्ट गियर लगाना पड़ जाएगा मैम। छोड़ो मैम, सीधा करो दौड़ के, सीधा करो, गुड, बस हल्का सा राइट रखो, बीच वाला रास्ते में आपको यहाँ पे कार को रखनी है। हाँ, सिग्नल वगैरह बंद कर दो, गुड। अब यहाँ पे जगह दे करके आपको बीच में ही कार को खड़ी कर देनी है। अच्छा, यहाँ पे खड़ी करना है, पूरा क्लच, देर से ब्रेक, यही खड़ी कर दो, कहीं भी खड़ी कर दो, चलो कोई नहीं, पूरा क्लच और धीरे से ब्रेक, कार खड़ी हो गई और अब आपको गियर को न्यूट्रल कर देना है, गुड। ठीक है, अब आपको रिवर्स गियर लगाना है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था रिवर्स गियर लगाने के लिए, वैसे आपको रिवर्स गियर लगाना है, राइट हिज के पीछे, हाँ जी, गुड। अभी छोड़ना है आपको हल्का हल्का क्लच और पीछे आपको देखना है, राइट मिरर, लेफ्ट मिरर, बैक मिरर, और पीछे घूम के भी देख सकते हो आप पीछे। ठीक है, चलो छोड़ो हल्का क्लच,
राइट वाला पैर आपको सिर्फ ब्रेक पर पैर रखना है, बाकी आपको यूज नहीं करना है। जब भी कभी खड़ी करना होता फर्स्ट गियर या फिर रिवर्स गियर में कभी भी खड़ी करना होता पूरा क्लच और धीरे से ब्रेक यूज करते हैं। हल्का राइट रखो स्टीयरिंग, और राइट रखो मैम, और राइट रखो, और एक साइड में मिरर में नहीं देखते, दोनों साइडों में देखते हैं। चलो छोड़ो मैम हल्का का क्लच, हाँ आप छोड़ो जाने दो, वो हट जाएगा, जाने दो। ऐसे हम लोग रिवर्स और बैक और पार्किंग करते हैं। कहते रहो हल्का और राइट रखो, आपकी कार लेफ्ट जा रही है, राइट रखो मैम। जब स्टीयरिंग को राइट टर्न करोगे ना फिर आपकी कार राइट जाएगी, वो हट जाएगा, आप चलो। और आप जब कार को चलाते हो तो आप घबराते कुछ ज़्यादा हो, घबराते नहीं मैम, है ना। जाओ जाओ, हाँ जाओ, राइट रखो हल्का का स्टीयरिंग को, तभी आपकी कार सीधी होगी। जाओ वो हट जाएगा, चलते जाओ, जाओ और जाओ हल्का का, और जाते रहो आप हल्का का, हाँ हल्का का जाना बस, जाते रहो, हाँ जाओ, चलो गुड। ये सीधा हो गया, चलो जाओ हल्का का, बड़ा हल्का का स्पीड, ठीक है। ऐसे हम लोग बाइक करते हैं। अब खड़ी करो कार को, पूरा क्लच धीरे से ब्रेक लगा के। अभी रिवर्स गियर तो लगा ही है, कार आपने खड़ी कर दी है, अब स्टीयरिंग को किसी भी साइड घुमा दो पूरा। आप किस साइड घुमा रहे हो, लेफ्ट साइड, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। अब अगर हम लोग क्लच को छोड़ेंगे और रिवर्स गियर में तो पीछे का हिस्सा हमारा लेफ्ट साइड जाएगा, ठीक है। अब छोड़ो मैम हल्का हल्का क्लच, छोटे में मारते क्लच, हाँ ब्रेक मत दबाओ, जब ब्रेक दबा रहेगा फिर कैसे कार चलेगी, फिर तो नहीं जाएगी। आ जाने दो, जब कार हमारी बिल्कुल सीधी हो जाएगी तो खड़ी कर देंगे। और जाने दो, 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 बस पूरा क्लच दे सकते, कार सीधी हो गई। अब स्टीयरिंग को सीधा करो जितना आपने घुमाया था, बस अब और पीछे जाने दो, छोड़ो क्लच, क्लच छोटा नहीं है, आप छोटा हो, उधर रैम पे थी इसलिए जा रही थी कार आपकी। और जाने दो, और जाने दो हल्का का, और जाने दो हल्का का, हाँ और जाइए जाइए, और जाइए हल्का का, और जाइए, बस पूरा क्लच जैसे ब्रेक है, ये हमारी कार पीछे खड़ी हो गई, ठीक है। अब फिर से आपको फर्स्ट गियर लगाना है मैम, फर्स्ट गियर लगाइए लेफ्ट में आगे, पहले गियर न्यूट्रल करो, न्यूट्रल किया अब लेफ्ट में आगे, गुड। अब किस साइड टर्न करना है आपको, राइट टर्न करना है या लेफ्ट टर्न करना है, जैसा आपको टर्न करना है, चलो लेफ्ट टर्न करो, चलो ठीक है। छोड़ो मैम हल्का क्लच, और स्टीयरिंग को लेफ्ट टर्न करोगे फिर लेफ्ट जाएगी माई कार, है ना, फर्स्ट गियर लगा हुआ, बड़ा हल्का का, हाँ और टर्न करो, हाँ फिर से आपको सीधी कार करके खड़ी कर देनी है, सीधी करो कार, सीधी करो और फिर स्टीयरिंग सीधा हो गया, गुड गुड। अब फिर से आपको कार ने खड़ी कर दिया, कार खड़ी कर दिया, अब फिर से आपको रिवर्स गियर लगाना है, पहले रिवर्स गियर लगाइए मैम, पहले गियर न्यूट्रल करो फिर रिवर्स गियर, अब आपको राइट टर्न करना है पूरा स्टीयरिंग एक, और ये आपका हो गया हाफ, डेढ़ बार स्टीयरिंग आपका घुमा पूरा, ठीक है, डेढ़ बार घुमा ना जी। अब छोड़ो मैम हल्का हल्का क्लच, हाँ अब पीछे का हिस्सा जो है आपका वो राइट जाएगा मैम, ठीक है, जाने दो, है ना, और जाने दो, और जाने दो हल्का का, 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 और जाने दो, बस खड़ी करो, आप सीधा करो टायर दौड़ के डेढ़ बार, ये हाफ हुआ और ये फुल हो गया बस। अब और जाओ दो कदम पीछे, और जाइए हल्का का पीछे दो कदम, और जाइए हल्का का, हाँ ब्रेक छोड़ो, छोड़ दिया, हाँ हाँ जाने दो, ये एक्चुअली क्या है कि रैम्प है ना कार, इसलिए बस क्लच दबाओ ब्रेक लगाओ। जब कभी रैम्प पे होती है ना तो थोड़ा सा आपको हल्का सा एक्सलेटर लेना पड़ेगा, है ना, देखो सामने का रास्ता थोड़ा सा नीचा है, पीछे का रास्ता थोड़ा सा ऊँचा है, ठीक है। अब फर्स्ट के लगा लो, गुड। अब आपको लेफ्ट टर्न करना है, लेफ्ट टर्न करो स्टीयरिंग को, गुड, पूरा टर्न कर दो, कोई नहीं पूरा टर्न कर दो, अब छोड़ो मैम हल्का हल्का जाने दो। और जब भी कभी क्लच को छोड़ते हैं उस समय आप ध्यान रख देना कि आपका ब्रेक वाला पैंडल जो है वो दबा नहीं होना चाहिए, ब्रेक पे पैर आपका दबा नहीं होना चाहिए, गुड। पहले कार सीधी करेंगे फिर स्टीयरिंग को सीधा करेंगे, गुड। अब फिर से आपको पूरा क्लच दबा के और धीरे से कार को खड़ी करनी है, खड़ी करनी है, हाँ जी। ऐसे हम लोग रिवर्स और बैक पार्किंग करते हैं, ठीक है। अब फिर से आपको गियर न्यूट्रल करना है और रिवर्स गियर लगाना है, आराम से आराम से, लग गया, चलो छोटे में मल करते क्लच, सीधा सीधा जाना आपको, आपको अपने रास्ते से बाहर नहीं जाना है ना, दो वाइट पट्टियों के बीच में आप चल दो, इसी लाइन के आपको बीच में चलना, हल्का राइट रखो, पीछे का हिस्सा लेफ्ट जा रहा है तो इसलिए हम लोग हल्का सा राइट रखेंगे, पीछे का राइट आ जाएगा, गुड गुड, बहुत बढ़िया।